आज हम बात करने वाले ऐसे कुछ प्लांट्स की जो कि हम वाटर में ग्रो कर सकते हैं। ये सभी के सभी प्लांट मैंने वाटर में ग्रो किए और देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। तो इन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ आज। ये सभी के सभी प्लांट्स मैं घर के अंदर ही रखता हूँ, तो आप इसको फुल्ली इंडोर प्लांट्स बोल सकते हो। पहला जो प्लांट है हमारा वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट है और इसकी खासियत यही है कि ये सॉइल में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है, इंडोर रहता है, उसी के साथ में वाटर में भी आप इसको बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट की कहीं से भी आपको अगर कटिंग मिल जाती है तो उसको कट करके वाटर के कंटेनर में आप उसको रख दीजिए, तो आफ्टर 2 to 3 days आपको रूट्स दिखने चालू हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे रूट्स आ गए उसको। इसको वाटर में ग्रो करना बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है कि आपने भी इसको ट्राई करना चाहिए। सेकंड जो प्लांट है वो है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट आफ्टर मनी प्लांट। इसको भी वाटर में ग्रो करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको पता करना है कि कैसे इसको वाटर में ग्रो किया जाए तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो ऊपर में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मनी प्लांट के बारे में तो सबको पता है, लेकिन सिंगोनियम प्लांट जो है थोड़ा सा नया प्लांट है, उसके वजह से उसको वाटर में कैसा ग्रो करना है वो उसके बारे में मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दी है। आप इसको कोई भी साइज के कोई भी कंटेनर में इसको ग्रो कर सकते हो और वाटर में ग्रो करना इसको बहुत ही ईजी है। ये देखिए इसके रूट्स, देखिए दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी आप वाटर में ग्रो करते हो तो इसके लीव्स जो है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, उसके वजह से वो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए थर्ड कंटेनर जिसमें मैंने सिंगोनियम प्लांट को ग्रो किया है। सिंगोनियम प्लांट को मैंने बॉटल में ग्रो किया है और वो जो बॉटल है वो मैंने फिश बाउल के अंदर में रख दिया है। दिखने में वो बहुत ही प्यारा दिखता है, आप भी देख सकते हो। तो ये वाला जो प्लांट है मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपने डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और इसको वाटर में ग्रो करना चाहिए। थर्ड जो प्लांट है वो है लकी बाम्बू। लकी बाम्बू के प्लांट्स भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं वाटर में। अगर आपको नहीं भी ग्रो करना है तो आपको रेडीमेड ये अवेलेबल हो जाते हैं शॉप्स में या नर्सरीज में, लेकिन ये जो लकी बाम्बू का प्लांट है वो मैंने ग्रो किया है खुद से। वो देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। लकी बाम्बू की कहीं पे भी आपको अगर स्टिक मिल जाती है तो उसको आप कट करके वाटर में ग्रो कर सकते हो और सेम रिजल्ट पा सकते हो। तो वो कैसे ग्रो करना है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए। लकी बाम्बू के जो प्लांट्स हैं वो मैं खुद ग्रो करता हूँ, उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसमें कि इसको वाटर में कैसे ग्रो करना है। ये देखिए ये वाला जो है ये मैंने ट्राई किया है अभी फिर से एक बार, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप कभी भी रेडीमेड लकी बाम्बू लाते हो और आप वाटर में ग्रो कर रहे हो उसको, तो उसको एक सिंपल ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ग्रो कीजिए, मॉडरेट लाइट प्रोवाइड कीजिए और 15 दिन में वाटर चेंज कीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन सी माई अपकमिंग वीडियोज। ये जो प्लांट है इसको भी आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो वाटर में। इसकी कहीं से भी आपको अगर कटिंग मिलती है तो वो वाटर में डाल दीजिए, एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसके जो रूट्स है वो ग्रो होना चालू हो जाएंगे। बस एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि इसको जब भी आप वाटर में ग्रो करोगे तो थोड़ा सा जो लाइटिंग कंडीशन है इसको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, उसके वजह से आप इसको ऐसी जगह पर रखिएगा जैसे कि विंडो वगैरह होता है जहाँ पर आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आता हो। तो हमारा फोर्थ जो प्लांट है वो है क्रोटॉन प्लांट। क्रोटॉन प्लांट को भी आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो वाटर में, इसके बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो उसको अगर देखना है आपको तो ऊपर में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकोगे कि इसको कैसे ग्रो करना है। क्रोटॉन के प्लांट तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, उसकी कटिंग लाइए वाटर में डालिए तो आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने जो भी क्रोटॉन के प्लांट ग्रो किए मैंने फुल इंडोर रखे हुए और फुल इंडोर मैं उनको ग्रो कर रहा हूँ। सिक्स वाला जो प्लांट है वो है ड्रेसिना का प्लांट। ये जो प्लांट है ये ड्रेसिना का प्लांट है, मैंने फुल्ली वाटर में ग्रो किया है और मैं इसे फुल इंडोर रखता हूँ। अगर आपने जो कटिंग किया है वो आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हो और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो। ड्रेसिना प्लांट को भी कैसे वाटर में ग्रो करना है इस पर भी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया है, वो अगर आपको देखना है तो ऊपर में मैंने लिंक शेयर कर दिया है तो आप वो देख सकते हो।
रेसिन, अगर प्लांट को भी थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन अच्छा चाहिए होता है, उसके वजह से आप अगर इसको विंडो में रखोगे या जहाँ पे अच्छा लाइट आता है वहाँ पे अगर रखोगे तो ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते रहेगा। ये देखिए, ये रेसिना प्लांट की कटिंग अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो देख सकते हो आपकी 2 दिन हो गए, 2 दिन में अपने को रिजल्ट मिलना चालू हो गया, उसको रूट्स आना चालू हो गए, कहीं कहीं से तो उसको लीव्स भी आना चालू हो गए। तो मुझे लगता है कि आपने भी रेसिना प्लांट को ग्रो करना चाहिए। अगर आपको सॉइल में लगाना है तो सॉइल में लगाइए, वाटर में लगाना है तो वाटर में भी ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वाला कलेक्शन है मेरे प्लांट्स का जो कि मैंने वाटर में ग्रो किया है, और मैं इसे फुल इंडोर रखता हूँ, और फुल इंडोर रखने के बाद में ये इतने हेल्दी दिख रहे हैं। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट, कि इनको कैसे हेल्दी रखा जाए जो भी वाटर में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। एक बार अगर प्लांट्स के रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए वाटर में, तो आपको एक एक महीना उनका पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो, लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते हो, तब भी आपको इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और आपके प्लांट जैसे के वैसे ही रहेंगे। फ्रेंड्स, ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज़ में आपके लिए लाते रहने वाला हूँ, तो देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।